रेफरल अस्पताल बनियापुर में एएनएम की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता अस्पताल प्रभारी डॉक्टर एपी गुप्ता ने की। बैठक में अस्पताल प्रभारी ने सभी एएनएम को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने एएनएम को अपने अपने हेल्थ सेंटर पर नियमित रूप से जाकर ओपीडी का संचालन कर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने को अनिवार्य बताया। निर्देशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर कार्रवाई की बात भी की गई। बताया गया कि गर्भवती महिलाओं का विशेष रूप से ध्यान देना है। इसके अलावे नियमित टीकाकरण, आरसीएच पोर्टल पर डाटा एंट्री लोड करने, हाई रिस्क एरिया में संपूर्ण टीकाकरण, परिवार नियोजन, जिंक वितरण की समीक्षा, नवजात शिशु की देखभाल एवं नियमित टीकाकरण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। वहीं डायरिया के मरीजों की पहचान कर उन्हें आवश्यक दवाई उपलब्ध कराने को कहा गया, जबकि पोलियो और खसरा के मरीज की पहचान के साथ टीबी, लेप्रोसी और फाइलेरिया के मरीजों का पहचान कर CHC भेजने पर बल दिया गया। हर थर्सडे को होती है एएनएम की रिव्यू की जाती है, सात दिन में कितना काम किए, क्या नहीं किए, उसको फीडबैक ली जाती है और इन लोगों को बताया जाता है कैसे काम करना है और कैसे नहीं। इसी से मीटिंग ली जाती है, हर पॉइंट पर इसमें मीटिंग होती है, हर काम पर इंजेक्शन इम्यूनाइजेशन ANC। आज के मीटिंग में क्या क्या कमी पाई गई? कमी बहुत कुछ कमियाँ पाई गई, उसको निराकरण निकाला गया है, उसको बता भी दिया गया है, लोग आगे सुधार लेंगे लोग। मेरा नाम अरुण प्रकाश गुप्ता, प्रभारी चिकित्सा रेफरल हॉस्पिटल बनियापुर। जुरो दीक्षांत से पाव छुटकारा कोचिंग इंस्टीट्यूट से गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।